करने वाले हैं हम आरओसी के बारे में। पहले वीडियो में हमने जेड ट्रांसफॉर्म का बेसिक जाना था। हमने वहां पे क्या देखा था, एक फॉर्मूला देखा था, वहां से हमने रिलेशन फाइंड किया था और डीटीएफटी के साथ उसका क्या रिलेशन बनता है हमने देखा था। वहां पे अगर रेडियस 1 हो जाती है तो इसका मतलब जेड ट्रांसफॉर्म ही डीटीएफटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसका जो फॉर्मूला था वहां पे क्या था, जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला जो था, अगर एक्स एन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड है देन उसका फॉर्मूला क्या होता था, एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन इंटू जेड की पावर माइनस एन। ये फॉर्मूला होता था वहां पे, जहां जेड इक्वल्स टू कितना होता था, जेड इक्वल्स टू आर ई की पावर जे ओमेगा। आर रेडियस होती थी उस सर्किल की और ओमेगा एंगल। इसी इसी दोनों चीजों के बेस्ड पे हमारा एक चीज होती है यहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, यानी जिसे हम कहते हैं आरओसी, जैसे लाप्लास में हम पढ़ते थे। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा जेड ट्रांसफॉर्म के लिए, क्या हो जाएगा, इट इज द रेंज ऑफ वैल्यूज जेड वैल्यूज वेयर जेड ट्रांसफॉर्म कन्वर्जेंस, यानी जहां पर जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा उन्हीं जेड वैल्यूज की जो होंगी उसी को कहते हैं उसका आरओसी। जैसे लाप्लास में कहते थे वो एस की वैल्यूज जहां पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है कन्वर्ज करता है उसका आरओसी कहते थे। अगर यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ ले तो यहाँ पे किसकी वैल्यूज देखेंगे हम, जेड की। अब इन्हीं जेड वैल्यू जेड ये जो आरओसी है हमारा डिफरेंट सिग्नल के लिए डिफरेंट होगा। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग हमने इसके पॉइंट बनाए हुए हैं। अगर हमारा सिग्नल x of n is right handed signal then ROC will be, ROC क्या होगा उसका जो mod of z का मतलब क्या उसका रेडियस, और p max का मतलब क्या जो सबसे बड़ा वाला पोल है, p का मतलब क्या पोल और max सबसे बड़ा वाला जो पोल का मैग्नीट्यूड है उससे बाहर वाला रीजन होगा। मान लो हमारे पास, हम पहले पोल फाइंड करेंगे, हमने मान लो पोल फाइंड किए P1, P2, P3 एंड सो ऑन। मैंने मान लिया जो N वाला है ये मैक्सिमम, मैंने मान लिया इनमें से कोई भी हो सकता है, P1 भी हो सकता है, P2 भी। अगर ये वाला हमारा मैक्सिमम है, इसका ROC फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे सारे पोलों को मार्क करेंगे। मान लो यहाँ पे ये P1 है, यहाँ पे ये P2 है, इस तरह से ये यहाँ पे मैंने P3 मान लिया, ऐसे ही करके मैंने यहाँ पे Pn मान लिया, ठीक है एंड सो ऑन। तो जो ROC होगा क्या होगा, सबसे बड़ा वाला जो पोल है उसके बाहर का रीजन, ठीक है। यानी इस टाइप से ROC कहां हो जाएगा इसका, इसके बाहर का रीजन, ये वाला। राइट हैंडेड सिग्नल के लिए ROC क्या होगा, सबसे बड़े वाले पोल के बाहर का रीजन, ठीक है। इसी तरह से अगर सिग्नल हमारा लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड क्या करेंगे, जो हमारा ROC है वो सबसे छोटे वाले पोल के मैग्नीट्यूड के अंदर वाला रीजन होगा। यहाँ पे अगेन इस तरह से अगर मैं बहुत सारे सिग्नल मान लूं तो इसके अंदर का अगर मैं ROC बनाऊं, यहाँ पे मैंने पोल मार्क कर दिए, ये कोई P1 है, P2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ROC क्या होगा, हम क्या करेंगे, सर्किल ड्रॉ कर दिए हमने सबके, ठीक है। तो ROC क्या होगा, जो सबसे वाला छोटा वाला पोल है यानी P1 सबसे छोटा मैग्नीट्यूड है, तो उसके अंदर वाला जो रीजन होगा वहीं पर क्या होगा, केवल Z ट्रांसफॉर्म एग्जिट करेगा, यानी वही उसका क्या होगा, ROC होगा। यानी इस यहाँ पे Z इक्वल टू जीरो को इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अदर देन एनी Z इक्वल टू जीरो, क्योंकि Z इक्वल टू जीरो लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, पूरे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। और जेड इक्वल टू जीरो मतलब क्या, यूनिट मतलब जीरो रेडियस का सर्किल, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जेड इक्वल टू जीरो को एक्सक्लूड करके चलना। अब देखो अगर सिग्नल हमारा बोथ साइडेड आ जाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइडेड भी और राइट हैंड साइडेड भी, देन ROC जो होगा कि नहीं, दो पोल के बीच का होगा, यानी जो दो पोल होंगे ना उनका कॉमन पार्ट बन रहा होगा। किस तरीके से, जैसे मैं दो पोल का एग्जांपल लेता हूं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं,
मान लो ये P1 मेरा पोल था, दूसरा मैंने P2 फाइंड किया, इनसे मैंने इनका ROC डिटरमाइन किया। अगर मान लो P1 का, देखो किसी टाइप का हो सकता, आउटसाइड हो सकता, मान लो P1 का जो ROC है वो ये कहता है, यानी बाहर का मोड ऑफ जेड क्या है, P1 से बड़ा है, और मोड ऑफ जेड क्या, ये Z2 क्या कह रहा है, जो P2 वाले का है वो अंदर की तरफ है, इसका ROC क्या कह रहा, अंदर की तरफ है। अगेन Z=0 हर जगह दिमाग में रखना। तो कॉमन पार्ट कौन सा है जो दोनों दोनों, मतलब ऐसा कौन सा एरिया जहां पर P1 भी और P2 भी है, तो ऐसा केवल एक ही रीजन हमें दिख रहा होगा यहाँ पर, अगर ध्यान से देखो कौन सा, ये वाला, ये जो रिंग है, एक रिंग टाइप की स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक। ये वाला जो पार्ट है ये क्या रहा, दोनों में आ रहा, तो इस जब जब सिग्नल हमारा टू साइडेड होगा तब क्या होगा, एक ROC जो मिलेगा, एक रिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। जब राइट साइडेड है तो सबसे बड़े वाले पोल के बाहर वाला, और जब लेफ्ट हैंड साइडेड है तो सबसे छोटे वाले पोल के अंदर का, जहां पे Z=0 को इंक्लूड नहीं करना। जब दोनों साइडेड का आता है तो ROC क्या होगा, उन किन्हीं दो पोल के बीच का रीजन, ठीक। नेक्स्ट क्या है, देखो पोल पे किसी भी फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। मान लो जैसे मैंने ये रैंडमली फंक्शन लिख दिया, सही, Z=1, Z-2, Z-3, Z-4, Z-5, ठीक। तो ROC में कभी भी पोल नहीं आएगा। पोल क्यों नहीं आएगा, मान लो पोल अगर मैं इसमें Z=4 लगा दूं तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। नीचे डिनोमिनेटर में 0 आया तो इनफाइनाइट आ गया, इसका मतलब एग्जिट नहीं करेगा, बाउंडेड नहीं रहा। अगर 3 भी लगाऊं तब भी इनफाइनाइट हो जाएगा, 5 लगाऊं तब भी इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब कभी भी ROC में कोई पोल नहीं आ सकता। जीरो आ सकते हैं, जीरो से क्या दिक्कत है, 1 लगाओ तो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो ध्यान रखना ROC में कभी भी पोल्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा, ROC मस्ट बी ए कनेक्टेड रीजन, कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि, अगर इस टाइप से ROC कभी नहीं होना चाहिए। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, ये यहाँ पे ये पहला पोल था, ये दूसरा था, ऐसा ना हो ROC, ये तो कह रहा हो कि इसका ROC है इस टाइप का, और अंदर वाला कह रहा हो कि ROC है मेरा अंदर की तरफ था, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो दोनों ही बाहर, उसका बाहर की तरफ जा रहा है, इसका अंदर की तरफ है, क्या कोई कॉमन पार्ट मिल रहा, नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ROC जो होगा हमेशा कनेक्टेड रीजन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यही सारे पॉइंट है जो याद रखने, ठीक है, वैसे भी याद रहेंगे। देखो जो राइट साइडेड सिग्नल है उसका बाहर की तरफ, सबसे बड़े पोल की बाहर की तरफ, राइट हैंडेड साइडेड है तो सबसे बड़े पोल के मैग्नीट्यूड के बाहर की तरफ, लेफ्ट हैंड साइडेड है तो सबसे छोटे वाले पोल के मैग्नीट्यूड के अंदर की तरफ। अगर टू साइडेड है तो एक रिंग मिलेगी, ROC में कभी भी पोल नहीं आता, और ROC एक कनेक्टेड रीजन होना चाहिए, यानी उस उन पोल्स के बीच में कोई ना कोई कॉमन एरिया जरूर होना चाहिए, कनेक्टेड रीजन का मतलब ये। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगर xn फाइनाइट लेंथ का सीक्वेंस है, यानी फाइनाइट लेंथ सीक्वेंस मतलब इस टाइप का सिग्नल होता है ना, 1, 2, 3 ऐसे, 0, -1 इस टाइप का वो होता है, ठीक है। मैंने मान ली इसकी ओरिजिन पोजिशन यहाँ पर है, तो इसे कहते हैं फाइनाइट लेंथ सीक्वेंस। तो इसका ROC जो होगा कभी भी उसमें Z=0 और Z=∞ नहीं आएगा। इसके ROC में केवल, अब जब फाइनाइट, जो फाइनाइट लेंथ का सीक्वेंस है उसके ROC में केवल दो ही चीजें नहीं आएंगी, एक Z=0 और एक Z=∞। इसमें बाकी का सारा रीजन आएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसी टाइप से, यहां तक की कहानी तो सिंपल थी। अब जो चीज है जो कि एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, कॉजेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी कंडीशन, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखो कॉजल सिस्टम पहले होता क्या, मैं बता दूं, कॉजल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसकी n=0 जब जिसकी ऐसा सिग्नल जिसकी जो जिसके जो वैल्यूज है नेगेटिव वैल्यूज पे जीरो होता है, यानी अगर xn हमारा कोई सिग्नल है तो वो जीरो होगा, n की वैल्यू
जीरो से छोटी वैल्यूज पे, ठीक है, एन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो पे उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, लेकिन खासियत ये होगी नेगेटिव वैल्यूज पे उस फंक्शन की वैल्यू हमेशा जीरो होगी, उस चीज को कहते हैं हम कोजल सिस्टम। अब देखो इस चीज को यहाँ पे समझते हैं क्या हो रहा है जेड ट्रांसफॉर्म में, ये क्या कह रहा है, कोई भी डिस्क्रीट एलटीआर सिस्टम है वो कोजल होगा कब, अगर उसका आरओसी क्या है, सबसे बड़े वाले पोल के बाहर का रीजन, अगेन बिल्कुल राइट हैंडेड सिग्नल की तरह ही बिल्कुल बता रहा है ये, अगर सबसे बड़ा वाला पोल है उसके बाहर, मैंने कह दिया बहुत सारे, ये पी वन पोल की वजह से, ये पी टू पोल की वजह से, ऐसे पी थ्री की वजह से, अगर हमारा आरओसी ये वाला पार्ट है, ठीक है, अगर आरओसी ये वाला पार्ट है तो इस वाले सिस्टम को क्या कहेंगे हम, कोजल सिस्टम, ठीक। अगर H of Z दे रखा हमें, यानी उसका ट्रांसफर फंक्शन दे रखा, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, दूसरी न्यूमेरेटर की जो डिग्री है डिनोमेटर से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि इस टाइप का फंक्शन लिखा हो जैसे z-1 z-2 / z, तो ऊपर डिग्री कितनी हो गई, 1 इसकी हो गई, 1 इसकी हो गई, यानी 2 हो गई, नीचे किसकी है 1, तो इस टाइप का सिस्टम नहीं होना चाहिए, हमेशा डिग्री जो डिनोमेटर की ज्यादा होनी चाहिए, यह कोजलिटी की कंडीशन, जो सबसे बड़े वाला पोल है उसके बाहर का रीजन होना चाहिए तभी वो कोजल होगा। तो एंटी कोजल क्या होगा, एंटी कोजल इसका अपोजिट कर दो, जो सबसे छोटा पोल होगा उसके अंदर का जो पार्ट अगर आरओसी आ रहा है तो उसे कह देंगे क्या, एंटी कोजल, बिल्कुल इसके अपोजिट है वो। और नॉन कोजल क्या हो जाएगा, अगर टू साइड मतलब एक रिंग टाइप का आरओसी मिल रहा तो उसे कह देंगे हम एंटी कोजल, सॉरी नॉन कोजल सिस्टम। आगे देखते हैं स्टेबिलिटी कंडीशन, स्टेबल कब होगा, जब वो बीबो क्राइटेरिया को फॉलो करेगा तब क्या हो जाएगा, वो स्टेबिलिटी हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा सिस्टम। ये कह रहा है अगर आरओसी जो है हमारा एच ओ जेड का यूनिट सर्किल को इंक्लूड करता है, यानी उसके आरओसी में हमारा यूनिट सर्किल आ रहा है आर इक्वल टू वन रेडियस वाला, तब हम क्या कहेंगे वो सिस्टम कैसा है, स्टेबल है। किस तरह कैसे, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मान लो किसी सिस्टम में केवल एक पोल था, मान लेते हैं, ठीक है, इसमें केवल एक पोल था ये P1, अगर ये P1 यूनिट सर्किल को इंक्लूड, इसका आरओसी मैंने मान लिया इस टाइप से, ठीक है, ये मैंने मान लिया राइट हैंड सिस्टम था, अगर ये P1 यूनिट सर्किल को इंक्लूड करता, यूनिट सर्किल मतलब रेडियस वन का, मैं मान लिया रेडियस वन का सर्किल यहाँ पे, ये रेडियस वन हो गई। देखो इस आरओसी में क्या आ रहा है, ये रेड वाला सर्किल इंक्लूड हो रहा है, कहने का मतलब पता कैसे लगा, इसकी बाउंड्री टच होता जाना चाहिए, ठीक है, अगर बाउंड्री से टच होता हुआ जा रहा है तो वो क्या करेगा, कहेंगे हम यूनिट सर्किल को इंक्लूड कर रहा, तो वो सिस्टम कैसा होगा, इंक्लूड स्टेबल होगा। अब स्टेबल कब का हो सकता है, जब पी वन की वैल्यू क्या हो, वन से छोटी हो, या फिर ऐसे भी तो कंडीशन बन सकती है, ये मान लो यूनिट सर्किल है मेरा और ये सिस्टम, ये हमारा कोई पी वन पोल है और इसका जो आर ओ सी है वो इस टाइप का अंदर की तरफ, ठीक है, यानी एंटीकोसल टाइप का, तब भी ये यूनिट सर्किल को इंक्लूड कर रहा, तब भी क्या ये स्टेबल होगा। स्टेबल होने का मतलब क्या, टाइम डोमेन में वो बाउंडेड होगा, अगर यूनिट सर्किल को वो इंक्लूड कर रहा है तो हम कह सकते हैं उसका DTFT भी एग्जिट करेगा, ठीक है, अगर यूनिट सर्किल को इंक्लूड कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, उसका DTFT भी इंक्लूड एग्जिट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और बना के लिख लो, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ROC में यूनिट सर्किल आ रहा है, क्योंकि हम DTFT भी तो यूनिट सर्किल पे एग्जिट कैलकुलेट करते थे, तो इसका मतलब क्या हो गया, XN हमारा बाउंडेड है और DTFT उसका एग्जिट करेगा, ठीक है। यही सारे पॉइंट थे जो हमें याद रखने हैं, ठीक है, मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कराता हूँ। अगर सिग्नल हमारा राइट हैंडेड सिग्नल है तो ROC क्या होगा, सबसे बड़े पोल के बाहर की तरफ, अगर ROC लेफ्ट हैंड सिग्नल है तो हमारा आरओसी क्या होगा, छोटे वाले पोल के अंदर की तरफ, अगर डबल साइडेड है तो हमारा जो आरओसी होगा क्या होगा, एक रिंग टाइप का मिलेगा किन्हीं दो पोल के बीच में। नेक्स्ट क्या था हमारा, आरओसी क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, यानी कॉमन पार्ट मिलना चाहिए और आरओसी में कोई भी पोल नहीं आ सकता। नेक्स्ट हमने पढ़ा, आगे क्या पढ़ा था फिर,
अगर फाइनाइट लेंथ का सीक्वेंस है तो उसमें क्या होगा, जेड इक्वल्स टू जीरो, जेड इक्वल्स टू इनफाइनाइट का रीजन नहीं आएगा। अगर पॉजिटिविटी के लिए क्या है, सबसे बड़ा जो पोल है उसके मैग्नीट्यूड के बाहर का जो पार्ट है अगर वो आर ओ सी मारा तब हम उसको कहेंगे कोजल। स्टेबल के लिए क्या था कंडीशन, अगर स्टेबिलिटी के लिए अगर यूनिट सर्किल आर आर ओ सी में तब हम क्या कहेंगे वो स्टेबल है। वो कौन सी कंडीशन होगी जब जहां पे आर ओ कोजल और स्टेबल दोनों आ जाएंगे। अगर मैं कहूँ दोनों कोजल एंड स्टेबल के लिए दोनों कंडीशन क्या होंगी, कोजल के लिए कंडीशन क्या होती है, सबसे बड़े पोल से बाहर की तरफ होना चाहिए ये बताता है ये। स्टेबल के लिए क्या होता है, यूनिट सर्किल को वो इंक्लूड करना चाहिए, यानी मोड ऑफ जेड को इंक्लूड करना चाहिए। वो कब कब पॉसिबल हो सकता है, ये यूनिट सर्किल मैंने खींचा, अगर हमारे सारे पोल मैंने मान लिया ये इस टाइप से सर्किल है अंदर, ठीक है, अगर मेरा आर ओ सी इस टाइप से, एक तो सबसे बड़े पोल से बाहर की तरफ, कहने का मतलब है अगर मेरा जो पी मैक्स है ये क्या वन से छोटा, जब वन से छोटा होगा जब ये वन के अंदर आएगा, ठीक है, यानी ये क्या हो पी मैक्स क्या हो लेस देन वन हो, एक तो तब कंडीशन है ये कोजल और स्टेबिलिटी की, ठीक है, यानी सारे पोल अगर मेरे यूनिट सर्किल के अंदर आते हैं तभी मैं क्या कहूंगा, सारे पोल अंदर तो आने चाहिए और आर ओ सी क्या होने चाहिए सबसे बड़े पोल से बाहर की तरफ, तभी ये कोजल और स्टेबल सिस्टम कहलाएगा दोनों को। नहीं तो कोजल के लिए कंडीशन क्या चलेगी, अलग चलेगी सबसे बड़े पोल के बाहर की तरफ, स्टेबल के लिए क्या चाहिए यूनिट सर्किल को इंक्लूड करना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन हमें देखनी है तो सारे पोल तो पहले अंदर होने चाहिए, हो गए, तो जो सारे पोल अंदर आ चुके हैं, अगर सारे जो भी पोल है उसमें सबसे बड़ा जो पोल है वो क्या होना चाहिए, उसका जो आर ओ सी मतलब उस जो टोटल आर ओ सी है वो क्या होना चाहिए बाहर की तरफ होनी चाहिए, ताकि यूनिट वन रेडियस के सर्किल को वो इंक्लूड कर सके। देखो यही सारी कहानी है, बस इसी पे चलेगा, इसी पे सारे क्वेश्चन करेंगे, वहां पे मैं सारा बताऊंगा कोजल स्टेबल हर क्वेश्चन में इंक्लूड करूंगा ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आई होप आप लोगों को ये बेसिक समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉब्लम इसके डायरेक्ट, ये कहानी ज्यादा जरूरी थी और ये याद होनी चाहिए, बार बार मैं इसी को रिपीट करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।